ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों की कोडिंग लर्निंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब आप लोग हो सकता है वेब डेवलपमेंट करते हो, या फिर हो सकता है आप लोग पाइथन सीख रहे हो, डेटा साइंस, मेरे और वीडियोज आपने देखे, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक टिप आपको ऐसी देना चाहता हूँ जो कि सारे डेवलपर्स के लिए लागू होती है, और शायद कोई मुझे काश ये बता देता जब मैंने स्टार्ट की थी कोडिंग करना। मैंने इसको बहुत मुश्किल से सीखा, इस गलती को करके। मैं चाहता हूँ आप बहुत आसानी से सीख जाए, और अगर आप भी आज ये वीडियो मिस करते हो तो आप भी कहोगे यार काश, अगर आप 6 महीने बाद देखते हो आपको काश ये वीडियो 6 महीने पहले देख ली होती। और इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सोचकर और देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया उसको देखकर, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं वीडियो में जो मैंने बोला है वो बता देता हूं। मैं एक सवाल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं यहां पर। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपने मान लो कोई कोड लिखा है, ठीक है, आपने मान लो पाइथन में जारविस बनाया है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने कोई वेबसाइट बनाई हो, रेस्पॉन्सिव कोड विद हैरी से ही बनाई हो देख के, या कहीं से भी बनाई हो, आपने अपना कोई काम किया हो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है। अब हो जाते हैं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने। अब आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे ना एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए, बढ़िया, आप कहते हो मैंने बनाई थी, मैंने बनाई थी, आप कहते हो मैंने 6 महीने पहले बनाई थी। अब ये करने के बाद क्या होता है कि जब आप कहोगे मैंने 6 महीने पहले बनाई थी तो सामने वाला बोलेगा, या फिर हो सकता है आप भी चाहते हो उसको देना कि यार आप ये ले लो या मुझसे खरीद लो या वट एवर द ट्रांजेक्शन है, मुझे नहीं पता, तो आपको वो चीज़ खुद नहीं मिलती। आप कहते हो यार बनाई तो थी, अब कहाँ है, चलेगी कि नहीं चलेगी ये मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ बहुत बार होती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरे वर्ड्स आप ले लो, मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा आपके साथ होगा, आपने एक चीज़ बनाई, कल आपके पास वो नहीं होगा। तो आप लोग कहोगे मेरे डेस्कटॉप के पाइथन के एग्जाम्पल्स के प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में वो फाइलें पड़ी हुई हैं और वो अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है, मान लो आपने ऐसा किया। तो जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास अपना एक रेफरेंस होना चाहिए। अब आपको इस बात का मतलब क्या है, अब होता क्या है यहाँ पर कि अगर मान लो आप लोग अपना एक ब्लॉग सेटअप करने की कोशिश करो, आपको यार मैं एक ब्लॉग सेटअप करूँगा, मैं डोमेन खरीदूंगा, मैं फ्लास्क सीखूंगा या जेंगो सीखूंगा या कुछ भी सीखूंगा, ये सब करके मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग बनाने के बाद अपना कंटेंट डालूंगा, SEO करूंगा, उसमें मेटा टैग्स लगाऊंगा, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें एक बैरियर की तरह काम करेंगी और आप करोगे उसको, ठीक है। ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर में करो लेकिन इमीडिएटली आसानी से ये काम नहीं कर पाओगे। तो टिप मेरी ये है कि आप लोग जैसे ही कोई काम करते हो आपके पास एक ऑनलाइन रेफरेंस होना चाहिए जहां पर आप उसको डंप करो। फॉर एग्जाम्पल आप blogger.com पे एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो फ्री में, विद इन नो टाइम आप blogger.com पे अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। blogger.com पे जाने के बाद आप लोग आराम से ब्लॉग बना लो एक फ्री। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपको इस ब्लॉग पे सर्च ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको इस ब्लॉग के पैसे भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ एक इंसान के लिए। जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं आप यहाँ पर वापस आओगे, वापस आकर जो भी चीज़ आपने बनाई है जैसे जारविस बनाया है तो उसका कोड आप डंप करोगे यहाँ पर, या मान लो देखो सोर्स कोड कितना बड़ा होता है, सोर्स कोड मैक्सिमम KBs में जाएगा, MBs का शायद ही आपको मिलेगा सोर्स कोड, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं KBs किलोबाइट्स में होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कोड होता है और आप वो लिखकर जो है आराम से उसको बड़े आराम से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो कहीं पे भी। तो ब्लॉगर वगैरह में आप लोग HTML के फॉर्मेट में कोड टैग्स का यूज़ करके आराम से अपना कंटेंट डाल सकते हो और उस कंटेंट को फिर वापस आके रेफ़र कर सकते हो। और मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ, मैंने ये टेक्निक अपनाई लेकिन बहुत लेट अपनाई और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जल्दी अपना लो, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो आपके लिए आपकी लर्निंग में कैटलिस्ट का काम करेगी। कैटलिस्ट पता ना आपको जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है कि आप जो चीज़ 3 महीने में सीखने वाले हो वो 1 महीने में हो जाएगी, जो चीज़ आप 2 साल में सीखने वाले हो वो 1 साल में हो जाएगी। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपने टाइम बचा लिया अपना तो आपने सबसे बड़ी चीज़ बचा ली जो आपके पास है। इसीलिए मैं कहता हूँ उस टेक्निक को आप लोग आज ही से लगाना चालू करो। तो करना क्या है आप लोगों को और क्या गलती है जो कि आप कर सकते हो, मान लो ये एक लड़का है जिसका नाम रोहन है, ये कोडिंग सीखना चाहता है। अब ये बंदा जो है क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ अपने दैनिक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि लोग अपना रेफरेंस नहीं बनाते, उनके पास अपना रेफरेंस नहीं होता है। हार्ड डिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन रेफरेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं इंटरनेट पर आपका कोड वगैरह पड़ा होना चाहिए। और अब आप में से कई लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे कि यार गिटहब पे क्यों ना डालें, क्यों ना डालें, वो भी मैं बताऊंगा कि सिर्फ ब्लॉगर पे डंप क्यों करना है, गिटहब पे क्यों नहीं डालना है। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मान लो ये रोहन दास है,
ये करना चाहता है कोडिंग, अगर इसने आज एक सोर्स कोड लिखा तो हो सकता है कि 3 महीने बाद इसको वो सोर्स कोड ना मिले, हो सकता है इसका जो कंप्यूटर है वो फॉर्मेट हो जाए, उसको वो सारी चीज़ें ना मिले जो कि इसने खुद बनाई थी, हो सकता है कि ये कहीं बाहर जाए। ऑनलाइन रेफरेंस मैंने क्यों बोला, ऑनलाइन रेफरेंस मैंने इसलिए बोला हो सकता है कि आप लोग बाहर जाएँ कहीं पर, ठीक है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर आप सर पे लेके तो घूमते हो नहीं, लैपटॉप भी आप सर पे लेके नहीं घूमते हो, अगर आप लेके घूमते हो बहुत बढ़िया बात आपके लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं घूमते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने दोस्त के घर भी जाते हो, वहाँ पर आप बात करते हो कि यार मैंने जार्विस बनाया था और ये वो कहेगा दिखा, तो आप इमिडिएटली इंटरनेट पर दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर कहीं आप मान लो खाली बैठे हो लाइब्रेरी में, आपको इंटरनेट मिल गया कहीं, तो आप अपने कोड को देख के रिविजन कर सकते हो, तो एक एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, आपने जो कोड लिखा है उससे आपकी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं और आप उसको कभी भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने कंटेंट लिखा, अगर रोहन दास कंटेंट लिख रहा है किसी के लिए, तो किसी के लिए जब लिखेगा तो उसको 10 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, उसकी प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है, वो क्या शब्द यूज़ कर रहा है, क्या जिस हिसाब से वो लिख रहा है उस हिसाब से लोगों ने भी, लोगों की भी वो प्रेरिक्विजिट है कि नहीं है, क्या उन्होंने वो पहले से पढ़ा हुआ है जो कि वो यूज़ कर रहा है टर्म्स उसमें। लेकिन जब ये बंदा अपने लिए लिखता है, सिर्फ अपने लिए, तब ये कुछ नहीं सोचता है, ये सिर्फ उस हिसाब से लिखता है जैसे इसको चाहिए, ये सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए लिखता है, अपने फ्यूचर सेल्फ को समझाने के लिए लिखता है, ना कि किसी और को समझाने के लिए। सो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है इसमें, एक ब्लॉग सेटअप करने में और अपना एक ऑनलाइन रेफरेंस बनाने में। तो मेरी टिप को अगर मैं समराइज करूँ तो वो ये है कि आपके पास, आप सबके पास अपना अपना ऑनलाइन रेफरेंस होना चाहिए अपने काम का, आपने अगर कोई वीडियो देखा है, मेरा ही देखा हो, तो आपको उसके अपने पर्सनल नोट्स, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े नोट्स नहीं, बहुत एक मिनी नोट्स आप लोग बना सकते हैं। वैसे मैं तो अभी इस पर काम कर रहा हूँ पर्सनली, अगर आप जाएँ codewithdhari.com पर तो वहाँ पर मैं सारे नोट्स डाल रहा हूँ और बाय द टाइम हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो आपको वो सारे नोट्स मिल जाएँ। तो मैंने वेबसाइट पे डाले हुए हैं, ऊपर वीडियो रहता है, नीचे जो है नोट्स रहते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग Q&A भी मैंने बना रखा है वहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ पूरी जवाब देने की, काफ़ी चीज़ें मैं सेटअप कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या ये फ्री है, तो यस इट इज़ फ्री, आप जाके विजिट करें codewithdhari.com, इट इज़ फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जो बोल रहा था कि मुझे एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो गुस्सा आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, गिटहब वाली बात जो मैंने बोली कि आपको गिटहब क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। देखो गिटहब एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, लेकिन फॉर ऑनलाइन रेफरेंस हो सकता है आपको गिटहब ना आता हो, ठीक है, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको गिटहब नहीं आता है, और अगर आपको गिटहब नहीं आता है तो ये एक बैरियर बन जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग गिटहब सीखने में पड़ जाओगे, और जितने टाइम में आप गिटहब सीखोगे हो सकता है कि जाने कितना कोड आपने लिख लिया होगा वो कहाँ डालोगे फिर। इसलिए मैं कहता हूँ आप गिटहब पे तो डाल लेना बाद में, गिटहब इज़ अ गुड थिंग, आप वहाँ पे अपने सारे कोड्स डालो वो तो सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन एक बिगिनर को गिटहब समझ में नहीं आता है, उसको अपलोड भी नहीं करना आता है, और दूसरी चीज़ ये गिटहब में वो प्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं मिलती है जो कि आप डायरेक्टली इमेजेस वगैरह ऐड करके एक ब्लॉगर में या वर्डप्रेस में, wordpress.com की बात करूँ, .org थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैंने बस वीडियो है दोनों का, लेकिन मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर सिंपल जाना है हमको, अपना जो रेफरेंस है अपने आप को समझाने के लिए हमारे लिए लिखना है और किसी और के लिए हम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपने आप को समझाना है कि कल अगर हमें उस जैसा सिस्टम फिर से बनाना पड़ जाए तो हम अपने ही रेफरेंस से कॉपी पेस्ट करके कोड बना लें और उसको जो है फिर यूज़ कर पाएँ। सो ये थी एक टिप जो कि मैं आप लोगों को जो है देना चाहता था, और इसमें आपका कोई ज़्यादा बैरियर भी नहीं है, एक HTML आपको आनी चाहिए, शायद वो भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ HTML थोड़ी बहुत सीख लो आप ये करने से पहले, लेकिन HTML भी अगर आपको नहीं आती है तो भी चलेगा, blogger.com, wordpress.com, बड़े आराम से आप लोग जो है अपने ब्लॉग वगैरह सेटअप कर सकते हो, और आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखना है, आपको SEO का ध्यान नहीं रखना, कीवर्ड रिसर्च का ध्यान नहीं रखना, अपना रेफरेंस बनाना है, अपना कोड वहाँ पे रखना है। हाँ अगर आप एक ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो करना, अलग से करना उसको, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन रेफरेंस है, मेरे पास अपना ऑनलाइन रेफरेंस आज भी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको बता रहा हूँ, और वो जो ऑनलाइन रेफरेंस है मैं रिवील नहीं करूँगा कहाँ पर है, उसका लिंक वगैरह कोई देने वाला नहीं हूँ मैं आपको, वो मेरा पर्सनल ऑनलाइन रेफरेंस है, और आप उसको देखोगे तो आपको कहोगे क्या है ये, मतलब मुझे खुद हंसी आ रही है उसको सोच के कि मैंने उसको देखा हुआ है, शायद आपको वो फील नहीं आया, लेकिन आप देखो कभी क्या है यार क्या है ये, ठीक है। तो मतलब मैंने उसमें सब कुछ डम कर रखा है, मैं कुछ भी लिखता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं इसका एक अच्छा आर्टिकल लिखूंगा बना के, सब कुछ सबको समझाऊंगा, बट वो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, मैं टाल देता हूँ चीज़ों को, एज अ ह्यूमन आप भी ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। एक सबसे आसान चीज़ आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान सेलेक्ट किया Ctrl C Ctrl V, नो फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं करना मुझे,
पटक दिया कोड बस, ठीक है। कभी मैं खाली हुआ तो कर लूंगा फॉर्मेटिंग भी, अगर मेरा मन करा तो, ठीक है। उठाया पटका, उठाया पटका, और वो इतना भर जाता है फिर ऑनलाइन रेफरेंस, लेकिन बहुत काम आता है वो, ठीक है। और blogger.com और wordpress.com में जो डेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो आप, तो आपको याद होगा यार दिसंबर में लिखा था वो कोड, स्क्रॉल करोगे सीधे दिसंबर में चले जाओगे, कोड ले लोगे अपना, ठीक है। तो एक ब्लॉग सेटअप करने से मैं इस चीज़ को बहुत कंफ्यूज होता था। मैं सोचता था कि यार मैं पहले फ्लास्क सीख ही लेता हूँ अच्छे से, जेंगो सीख ही लेता हूँ अच्छे से, SEO सीख ही लेता हूँ अच्छे से, फिर बनाऊंगा। अरे गेटअप भी सीख ही लेता हूँ ना, अरे डॉकर भी सीख लेता हूँ, डॉकराइज कर लूंगा। और आपका ये काम कभी नहीं होता इस चक्कर में, आप कन्फ्यूज़ कर जाते हो ब्लॉगिंग को ऑनलाइन रेफरेंस से, जबकि ऑनलाइन रेफरेंस हर कोडर के पास अपना होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, अगर आप ऑनलाइन रेफरेंस को ब्लॉग के साथ मिक्स कर के रख सकते हो इमिडिएटली, जो कि बहुत मुश्किल है और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वही दूसरी बात है। मैं कहूँगा आप एक अपना ऑनलाइन रेफरेंस बनाओ, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना है कि सीखनी है चीज़ें, गिटहब पे जल्दी से स्विच करना है। फिर अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, मे बी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, बट एक ऑनलाइन रेफरेंस अलग होता है। और मैंने आप लोगों को codewithery.com पर सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अभी मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स में भी काम कर रहा हूँ, जो कि जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, बट मैं अभी यहाँ पर एक कॉपी और पेन से डेली कुछ नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी देने वाला हूँ मेरी हैंड राइटिंग में, मेरे हाथों से। और अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक ऐसी चीज़ की जिसको देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया, ठीक है। मैंने देखा, नोटिस किया कि कुछ लोग ऑनलाइन मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मैं यहाँ पर यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, उनको एज अ पेड मटेरियल बेच रहे हैं, और 40 40 डॉलर के। और मैंने जब एक मैंने वेबसाइट देखी अभी, बाय द वे मैंने कॉन्टैक्ट किया है उसको, रिपोर्ट करने की कोशिश में उस प्रोसेस में हूँ, और मैंने देखा वहाँ पर उसने बंदे ने एग्जैक्ट थंबनेल भी मेरा डाला हुआ है। उसने वहाँ पे बोला हुआ है कि सोर्स कोड चाहिए तो 40 डॉलर, और आई थिंक वीडियो के साथ चाहिए तो 60 डॉलर। मैंने कहा यार ये दोनों चीज़ें मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैंने देखा और उस पर रिव्यू का एक बना हुआ है, कुछ 4.6 स्टार रेटिंग, और बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है, लोग कमेंट कर रहे हैं भाई मज़ा आ गया, इट वॉज़ वेरी यूजफुल, मस्ट रिकमेंडेड। अरे मैंने फ्री में प्रोवाइड किया है, मेरा कंटेंट स्टील करके लोग बेच रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ आप लोगों से वीडियो शेयर कर दो, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वीडियो शेयर करने को बोल रहे हो, वीडियो शेयर। इसलिए मैं कहता हूँ यार प्लीज़ मेरे वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अब क्या होता है ना, ह्यूमन नेचर होता है कि जब कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही होती है तो लोग कहते हैं कि यार ये फ्री है तो कैसे है फ्री, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब codewithery.com पर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर मेरी 102 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है तो आपको वहाँ पर वीडियो पर मिलता है, नीचे उसी वीडियो के नोट्स मिलते हैं, रेफरेंस चीट शीट सब नीचे साइड में, प्लेलिस्ट, और वो भी सब फ्री। तो लोगों को लगता है कि यार ये फ्री कैसे है, फ्री कैसे है ये, और उसके बाद भी लोग पेड के पीछे भागते हैं कि यार मतलब नहीं यार ये नहीं, पेड खरीदेंगे हमें तो, पेड करना है मतलब पेड में पेड का नाम जुड़ा है, वही कंटेंट चुरा के कोई और बेच देता है तो वो पेड हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि भाई इसके तो पैसे लिए तो अच्छा होगा ही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं पर किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं फ्री कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, कभी भी मिलती है, तो आप इतने मैच्योर होने चाहिए, आपको देखना चाहिए, आप उसको इवैल्यूएट कर पाओ कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो फ्री है वो अच्छी ही है, स्कैम भी होते हैं बहुत सारे दुनिया में, लेकिन आप इतने मैच्योर होने चाहिए आपको कि क्या कंटेंट आपको शेयर करना है, क्या कंटेंट आपको आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, किस तरह आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यार आप लोग codewithery.com एक बार सब लोग चेकआउट ज़रूर करना, काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है मोबाइल में, काफ़ी काम किया है मैंने और काफ़ी चेंज किया है, ज़रूर देखना वेबसाइट, सब चेकआउट करेंगे अभी, दे दूंगा मैं प्रिंट कमेंट में लिंक। तो यार यहाँ पर सारा कंटेंट जो है वो फ्री है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। और मैं आप लोगों से एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर मेरा कोई कोर्स किया हुआ है पहले, तो सिर्फ वो प्लेलिस्ट उठाकर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको पाइथन का कोर्स अच्छा लगा तो आप जाएँ, चैनल खोलें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ से पाइथन का कोर्स मेरा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वगैरह पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करोगे तो। सो आई होप कि ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और काफ़ी आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ यूज़फुल रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।